अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जी मुझे मेरा मंगलसूत्र चाहिए, प्लीज आप, प्लीज आप लेके आइए मेरा मंगलसूत्र, मेरी जान से भी बढ़कर आप प्लीज मेरा मंगलसूत्र ला दीजिए, मुझे मेरा मंगलसूत्र चाहिए। Hey, रुक! चोरी करते वक्त शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, मंगलसूत्र चुराता है। तुझे पता है कि मंगलसूत्र एक औरत की पहचान होती है, समझा? और तू उसे चुरा के भाग रहा था। रोहित, रोहित, तुम ठीक हो? मेरा मंगलसूत्र। हाँ ये। थैंक यू नाहर जी, आपने मेरा मंगलसूत्र बचा लिया। तुम ठीक हो ना? रोहित, 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 रिलैक्स। नाहर जी, मेरा मंगलसूत्र। हाँ, तो तुम्हारा मंगलसूत्र ये रहा। रोही, 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 देखो, रोही, 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 देखो, रिलैक्स, तुम्हारा मंगलसूत्र बिल्कुल ठीक है, देखो मेरे हाथ में ही है, बिल्कुल ठीक है, टूटा भी नहीं है। मैं पहना देता हूँ, रुको, मैं पहना देता हूँ। हाँ, मैं पहना दूँ। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये पहले भी हो चुका है? चलो रोहित, हम घर चलते हैं। चलो रोहित, संभल के, संभल के रोहित। रोहित, क्या हुआ रोहित? हाँ जी, मुझे चला नहीं जा रहा है, शायद मेरे पैर में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ ऑटो नहीं मिलने वाला और गाड़ी बहुत दूर खड़ी है। Thank you.
जाके सुनो ना, आज आप मंदिर में मेरी तरफ से 11 किलो लड्डू चढ़ा, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। रूही और नाहर का तलाक तो हमने करवा ही दिया है, इससे बड़ी खबर और क्या होगी? जब रूही आएगी ना आपको खुद पता चल जाएगा। 11 किलो से कम मत चढ़ाना, ज्यादा चढ़ा दिला। बेटा ये चोट कैसी लगी तुम्हें? नाहर बताओ ना, हुआ क्या है, चोट कैसे लगी? नाहर दादी, नाहर बेटा क्या हुआ, तुम दोनों को चोट कैसे लगी? बेटा कुछ बताओ तो सही, मेरी जान निकली जा रही है। छोटी माँ वो एक्चुअली है, हम एक नौकरानी के लिए तुम अपनी जान खतरे में डालोगे। दादी क्या बोल रही हैं, बात मालकिन या नौकर की नहीं है, बात इंसानियत की है, सही गलत की है, किसी की जान की है, और रूही की जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। छोड़िए ना माँ जी, जो होना था हो गया। समर एक काम कर, नाहर की पट्टी कर दे और अपनी जा, जाकर बाम लेकर आ रूही के लिए। जी माँ। चलिए भैया आराम से, आराम से भैया। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुम क्यों एक बुरे साय की तरह मेरे पोते के पीछे पड़ी हो? आज तुम्हारी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई थी, उसे चोट लग गई। जो औरत अपना मंगलसूत्र नहीं संभाल सकती वो रिश्ते क्या खाक संभालेगी? एक पत्नी अपने पति के लिए जान दे सकती है, लेकिन तुम अपने सुहाग की जान देने पर तुली हुई हो। दोनों गंगा ही संभलता ना तुमसे ये मंगलसूत्र, तो इस कमजोर कड़ी को उतार कर मत कर दो डब्बे में। आप क्या कह रही है? सॉरी दादी, लेकिन ये मेरी कमजोरी नहीं है, मेरी ताकत है, मेरा मान है, मेरा सम्मान है, मेरा विश्वास है। दादी ये कोई कमजोर कड़ी नहीं है, बल्कि हमारे रिश्ते का अटूट सच है, जिसका सबूत खुद खाटू जी समय समय पर मुझे देते रहते हैं। दादी आज जब वो गुंडा मेरा मंगलसूत्र छीन रहा था, तब अचानक से नाहर जी वहां आ गए और उन्होंने उस गुंडे से मेरा मंगलसूत्र वापस छीन कर लाया और मुझे ठीक वैसे ही पहनाया जैसे उन्होंने हमारी शादी के दिन मुझे पहनाया था। उनकी खून की बूंद से आज मेरी मांग भरी है दादी, और ये सब खाटू जी का आशीर्वाद नहीं तो और क्या है? आज उन्होंने हमारा रिश्ता फिर से जोड़ दिया है दादी। मैं मानती हूं कि नाहर जी की याददाश्त नहीं वापस आई है, उनको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं आज भी सब बसा हुआ है। मैं कहीं भी रहूं, किसी हाल में भी रहूं, लेकिन वो मुझ तक पहुंच ही जाते हैं। दादी भले ही उनकी नजरों में मैं घर की नौकरानी, लेकिन दादी सच तो यही है ना कि मैं आज भी उनकी धर्मपत्नी, और इस बात का गवाह मेरा ये मंगलसूत्र है।
मन तो कर रहे हैं सोनी का गला दबा दो, वो तो नहीं कर सकती, पर हाँ वही जो ये पति पत्नी रिश्ता एहसास मंगलसूत्र की बड़ी बड़ी डींगे हांक रही है ना, उसकी असलियत तो ये है कि इन दोनों का तलाक हो चुका है, जिसका आईना दिखाने का वक्त आ गया है। और जल्द मैं तुम्हें ये एहसास दिलाऊंगी रूही कि नाहर की सिर्फ एक पत्नी है और वो हूँ मैं। देखिए मन सुंदर के पूरे एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।